नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरेटर फंडा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 125 केवीए का ये अल्टरनेटर है, इसके अंदर प्रॉब्लम हुआ है। आप देख सकते हो इसके वायर वगैरह सब जल गए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि दोनों न्यूट्रल किसी ने आपस में जोड़ दिया था, तो उसके वजह से MACB का जो सप्लाई होता है वो सप्लाई रिटर्न इस अल्टरनेटर में आ गया। तो हम चेक कर रहे हैं, देख सकते हो कि इस ऑल्टरनेटर में क्या प्रॉब्लम हुआ है। शायद हमें लगता है कि इसकी जो वाइंडिंग है उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। चारो खोलते केवल काट के निकाल देना। ओके, किलो अक्सर का पीस है। हेलो, पीस किलो अक्सर का ये इंजन और अशोक लेलैंड। हाँ बोलो सर। ठीक है, ठीक है सर जी, आया हूँ आपके साइट पर, पहुंच गया हूँ, जनरेटर चेक कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं अंदर ही हूँ। हाँ जनरेटर। अच्छा, मंगीलाल बोल रहा है। हाँ बोल। अरे मैं नंबर नहीं देखा रे, इसी पर फोन उठाया। बोल बोल ना, बोल ना। आज तेरे को दे दूंगा बाबू, आज दूंगा आज। ठीक है ठीक है, आज मिल जाएगा। कल उसका बहू का टाका भी का हटाया ना कटिंग। हाँ तो हम लोग उधर ही थे, लेकिन आज तेरा काम करके मैं। पूरा वायरिंग इसका चूहे ने खाया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ऊपर का जो इंसुलेशन है पूरा खा गया है।
तो फ्रेंड्स हमने इस ऑल्टरनेटर को चेक किया है, तो इसका जो स्टेटर का जो वाइंडिंग होता है, वो स्टेटर का जो वाइंडिंग है वो गया है, रोटर जो है वो बच गया है, उसका RYB का जो सप्लाई है वो बंद हो गया है। तो अभी इस ऑल्टरनेटर को खोल कर इसका पूरा वाइंडिंग फिर से करना होगा नया, और वाइंडिंग करके वापिस हम फिट करके फिर चेक करेंगे। तो एक बार इसका अगर वाइंडिंग हो गया तो 100% वोल्टेज 240 सिंगल फेस और डबल फेस का 440 दे देगा। तो आप देख सकते हो ये एक 125 kVA का ऑल्टरनेटर है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।